बर्फीली चोटियां, आसमान छूते दरख्त, खूबसूरत वादियां, मनोहारी दृश्य, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, धरती से बतियाते बादलों के समूह, ये हिमाचल है। प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रदेश का आभूषण है। सरल सहज विकास के लिए सदैव तत्पर यहाँ के निवासी हिमाचल की शान है। आज हिमाचल देश में विकास का पर्याय बन गया है। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए प्रत्येक हिमाचलवासी ने संघर्ष भरा सफर तय किया। आज हिमाचल सभी क्षेत्रों में निरंतर उन्नति कर रहा है। ये विकास जन जन को आने वाले सुनहरे कल और सुखद वर्तमान का आभास देता है। इस स्वर्णिम आभा की नींव वर्षों पूर्व हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने ही रखी थी। वे सादगी, सच्चाई व ईमानदारी की मूर्त थे। संघर्ष उनके जीवन का अहम हिस्सा था, जो 1942 में शुरू हुआ, जब भारत भर में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सिरमौर रियासत में भी आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर परमार के प्रयत्नों से ही हिमाचल केंद्र शासित राज्य बना, फिर सी श्रेणी राज्य, उसके बाद यूनियन टेरिटरी और फिर असेंबली की बहाली हुई। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री बने डॉक्टर वाईएस परमार। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उद्घाटन समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर सम्मिलित होने के लिए स्वयं शिमला आई थी। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश की जनता के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश को राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। हजारों की संख्या में हिमाचलवासी जनवरी की सर्द सुबह, खराब मौसम और बर्फबारी की कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एकत्र हुए, ताकि वे राज्यत्व दिवस के उत्सव के ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बन सकें। पहाड़ों की रानी शिमला इस उत्सव के आनंद और जय जयकार से गूंज उठी थी। पारंपरिक वेशभूषा में सजी जनता ने हाथों में रंग बिरंगे ध्वज लेकर लोकगीत गाए, नृत्य किए। हिमाचल के जनमानस को डॉक्टर परमार ने करीब से पहचाना था। उन्होंने देश की आजादी से पूर्व प्रजामंडल आंदोलन की अगुवाई की। वे आजादी से पूर्व और बाद में भी वर्तमान हिमाचल को विशाल रूप देने का कार्य करते रहे। 4 अगस्त 1906 को सिरमौर रियासत के चनहालक गांव में डॉक्टर परमार का जन्म हुआ था। पिता सिरमौर रियासत के उच्चाधिकारी थे। प्रारंभिक शिक्षा नाहन में हुई। यहाँ के रमणीय वातावरण में बहुमुखी प्रतिभा का विकास हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर वे लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। लखनऊ के केनिंग महाविद्यालय से समाज विज्ञान में एमए के अलावा एलएलबी की परीक्षा पास कर सिरमौर रियासत लौटे। फिर रियासत में मजिस्ट्रेट बने, सेशन जज के पद पर भी रहे। डॉक्टर परमार ने हिमाचल में प्रचलित बहुपति प्रथा के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलीएंड्री विषय पर शोध प्रबंध लिखा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें इस शोध प्रबंध के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। डॉक्टर परमार हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए प्रयासरत रहे। उनका कहना था, पर्वतीय क्षेत्रों की भाषाई, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याएं ऐसी हैं कि इनकी प्रगति अलग राज्य के रूप में ही हो सकती है। डॉक्टर परमार के सपनों का हिमाचल एक ऐसा आधुनिक हिमाचल था, जहां लोग शिक्षित हों, संपन्न हों, आवागमन के अच्छे साधन हों और देश के मानचित्र पर हिमाचल का अलग नाम हो। डॉक्टर परमार ने हिमाचल की आबोहवा के अनुरूप यहाँ बागवानी को विस्तृत फलक प्रदान किया। आज सेब से लदे बागीचे, नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं, गांव-गांव तक सड़कों का जाल, ज्ञान का अलख जगाते शिक्षा के मंदिर, ये कृतज्ञ होकर डॉक्टर परमार को जीवंत श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर परमार बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, कुशल प्रशासक व राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता एवं विधिवेता थे।
उन्होंने आदर्श विधायी परंपरा के उदाहरण प्रस्तुत किए, 8 पुस्तकें भी लिखीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर वे 1952 से 1956 और 1963 से 1970 तक लगभग 18 वर्ष तक आसीन रहे। उन्होंने देश को हिमाचल की विशुद्ध पहाड़ी संस्कृति से भी रूबरू करवाया। उनका छूमता हुआ ऊनी लोया और गर्म चूड़ीदार पजामा उनके व्यक्तित्व को समृद्ध पहाड़ी संस्कृति में समावेशित कर देता था। 5 दशक पूर्व एक बर्फीली सुबह जब हिमाचल अस्तित्व में आया, तभी से सरकार ने मानवीय विकास को हमेशा प्राथमिकता दी। और ये भी सराहनीय है कि राज्य ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। आज हिमाचल प्रदेश की पहचान सिर्फ पहाड़ी राज्यों में ही नहीं बल्कि देश में एक आदर्श राज्य के रूप में की जाती है। ये गर्व की बात है कि हमारी योजना प्रक्रिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसी सभी बुनियादी आवश्यकताओं को हमेशा प्राथमिकता दी गई। इस प्रगतिशील दृष्टिकोण के सुखद परिणाम आज हम सबके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मठ, दूरदर्शी एवं हर दिल अजीज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की रहनुमाई में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के सपनों को साकार कर आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की राह पर निरंतर गतिमान है।